नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। कुंडलिनी शब्द संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है घुमावदार। कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूलाधार जो प्रथम चक्र होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सर्प की तरह बैठा रहता है। और इसका क्या प्रभाव होता है, कितने चक्र होते हैं, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में महेंद्र कुमार जी, सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कुंडलिनी जो शक्ति है ये होता क्या है? देखिए, कुंडलिनी शक्ति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कुंडलिनी शक्ति हमारे जीवन का आधार है। देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से 14 प्रमुख होती हैं। उन 14 में से भी मेन होती हैं 3 नाड़ियाँ, जिसका लोगों ने सुना भी होगा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम से जानी जाती हैं। और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में अब ये 3 नाड़ियाँ हमारे मूलाधार चक्र से और आज्ञा चक्र तक जाती हैं। अब ये हमारे मूला मतलब जहाँ पे रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहाँ से पे ये कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहती है, मतलब सर्पाकार रूप में विराजमान रहती है। 3.5 फीट की ये कुंडलिनी शक्ति होती है और उसका जो पूंछ होती है उसके अपने मुंह में दबाए हुए विद्यमान रहती है। और इस सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ही डिफरेंट चक्र जाते हैं, जो मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र हो गए। इन 6 चक्रों का हमारे जीवन में मतलब भौतिकता के रूप में या हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद 6 चक्र जब क्रॉस हो जाते हैं तो सहस्रार। अभी आपने कहा कि सर्प की तरह जो है बैठी रहती है जी। तो क्या मतलब ये जो राशियाँ होती हैं तो कुछ राशियों पर कि सभी राशियों पर रहती है? देखिए, मूलाधार चक्र पे ये कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहती है। वहीं से जो ब्रह्म नाड़ी जा रही है, सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, सुषुम्ना नाड़ी में भी ब्रह्म नाड़ी है, उस ब्रह्म नाड़ी में ये 6 चक्र विराजमान है। मूलाधार पहला चक्र है, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपूरक है, फिर उसके बाद अनाहत चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र है, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र है। अब मूलाधार चक्र, अब ये जितने भी चक्र हैं यहाँ पे सभी राशियों का इफेक्ट पड़ता है। जैसे बाहरी जगत में सभी ग्रहों का, राशियों का प्रभाव पड़ता है, वैसे आंतरिक रूप से भी हमारे शरीर में ये इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहाँ पे ये पिंड है वहाँ पे समस्त ब्रह्मांड है। यानी ग्रहों का प्रभाव बाहरी रूप से भी पड़ता है और आंतरिक रूप से भी पड़ता है। जब इस आंतरिक रूप के से ग्रह जो इफेक्ट करते हैं वो उसका बाहरी स्वरूप से मतलब कोरिलेशन अच्छा रहता है तो हमारे जीवन में अनुकूलता होती है। अगर वो उनकी एनर्जी प्रॉपर नहीं होती है बाहरी ग्रहों के से तो हमारे जीवन में प्रतिकूलता प्राप्त होती है। कितना इफेक्ट डालता है ये मूलाधार चक्र? देखिए, मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी तत्व से मिलकर बना हुआ है। अब मूलाधार चक्र पे 2 राशियाँ विराजमान रहती हैं, मकर और कुंभ राशियाँ, जिनका स्वामी शनि होता है। अब ये मूलाधार चक्र जो है पृथ्वी तत्व को गवर्न करता है। अब पृथ्वी तत्व का मतलब हो गया हमारे जीवन में जो भी भौतिकता के क्षेत्र में कमी आएगी या शारीरिक मतलब अगर कोई रोग हो जाता है उसको भी दूर करना हो तो इस चक्र की हमें चिकित्सा करनी चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों में मूलाधार चक्र की जहाँ तक बात है, पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, तो मूलाधार चक्र में अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र अगर वीक है तो उसमें अपने प्रति मतलब सेल्फ सिक्योरिटी की बात आती है। मतलब अगर कुछ लोग अगर आत्महत्या वगैरह इस तरह का डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में तो उनका मूलाधार चक्र कमज़ोर होता है। मतलब वो मतलब जो है उनका मूलाधार चक्र कमज़ोर होने की वजह से जो है वो अपने साथ अच्छा सहयोग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो गलत डिसीजन ले जाते हैं। अगर मूलाधार चक्र की अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनके में इस तरह की टेंडेंसी नहीं होगी। जैसे कुछ भौतिकता की भी को भी गवर्न करता है क्योंकि पृथ्वी तत्व से बना है। अगर भौतिकता के क्षेत्र में देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है
और उसको तब भी नौकरी नहीं मिल रही है, पूरा प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मूलाधार चक्र में उसके कहीं ना कहीं कमी मिलेगी। अगर मूलाधार चक्र को इनर्जाइज किया जाएगा, ऊर्जित किया जाएगा, तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की टेंडेंसी है या उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो ये दूर होगी, और दूर करके उसकी गरीबी भी दूर हो सकती है और उसको जॉब भी मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति कर्जे में डूबा है तो भी जॉब पा करके, प्रमोशन पा करके वो मतलब उन्नति पा सकता है। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेंटली एक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका मूलाधार चक्र जो ज़्यादा ऊर्जित है, ज़्यादा ऊर्जित होने की वजह से वो ज़्यादा उनमें चंचलता बढ़ जाती है। तो उनकी चंचलता को कम करने के लिए भी उनके मूलाधार चक्र को प्योरीफाई करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, जिससे कि उनकी चंचलता कम हो और वो नियंत्रित हो सके, ज़्यादा एनर्जी उनकी वेस्ट ना हो। और अगर किसी व्यक्ति को नींद ज़्यादा आती है, अगर नींद ज़्यादा आती है तो भी उसका मतलब मूलाधार चक्र में कहीं ना कहीं कमी है, और यानी एक्टिव नहीं है, या देखा जाए अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को नींद बिल्कुल नहीं आ रही, रात भर जाग रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और एक्टिव होने की वजह से उसको नींद नहीं आ पाती है। कई कई बार लोग जो हैं नींद की गोली वगैरह लेते हैं जिससे कि उनको नींद आ जाए, तो उनके भी मूलाधार चक्र की हमें चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे कि कंट्रोल में रह सके और उनको मतलब प्रॉपर मतलब बहुत मतलब उनकी नींद प्रॉपर आ सके, बहुत ज़्यादा मतलब देर तक काम ना करें। जो भी समस्याएं आपने बताई हैं इस पे कैसे मतलब लोग कंट्रोल करें, कैसे क्या निवारण है इसका? देखिए, इसके निवारण के लिए यह है कि योग का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, पृथ्वी तत्व मुद्रा का इस्तेमाल करें, पृथ्वी तत्व मुद्रा को इस्तेमाल करके उसको मूलाधार चक्र को सही किया जा सकता है, और क्या कहते हैं मूलाधार चक्र को मतलब प्योरीफाई किया जा सकता है, योग का अभ्यास करके मूलाधार चक्र को हम सही कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति में जो मूलाधार चक्र है प्रथम चक्र होता जी, है तो कितना इफेक्टिव होता है ये? देखिए, मूलाधार चक्र जो है हमारा बेस है, जितने भी हमारे शरीर में मतलब भौतिकता के क्षेत्र में अगर देखा जाए 6 चक्र है, 7वां 1000 चक्र होता है, तो ये बेस है, इसी पे हमारा जो है ऊपर के सारे चक्र जो है टिके रहते हैं। अगर इसमें इसको ऊर्जित किया जाता है या इसमें चेतना उत्पन्न की जाती है तो इसमें ऊपर के समस्त चक्रों में हलचल पैदा हो जाती है, तो और मन जो है अशांत हो जाता है, और ये चक्र जब सारे चक्र ऊर्जित हो जाएंगे, मन अशांत हो जाएगा, ज़्यादा अगर एक्टिव हो गया तो ऊपर के सारे चक्र हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये चक्र हमारा बेस है, और यहीं पे भी मूलाधार चक्र पे ही कुंडलनी शक्ति हमारी जो है सर्पाकार अवस्था में 3.5 फीट की मतलब इस घुमावदार रूप में विद्यमान रहती है और अपने पूंछ को मुंह में दबाए रहती है। इसको जब हम इनर्जाइज करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से लेकर के ऊपरी समस्त भागों में उसका प्रवाह हो जाता है, और प्रवाह होने से हमारे जितने चक्र भी एक्टिव रहेंगे वो हमें जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, आर्थिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, और सभी चीज़ का ये बेस है। किसी भी तरह की हमें कोई दिक्कत होती, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो या आर्थिक हो, सब में कहीं ना कहीं इन जो 6 चक्र होते हैं उनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, तभी दिक्कत पैदा होती है। एक व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि मूलाधार उसको नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, अगर उसको नींद अगर ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, सुस्ती हो रही है, तो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, और दूसरा पृथ्वी तत्व को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, अगर कम है तो उसको इनर्जाइज करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा इनर्जाइज है, जैसे बच्चों में बताया कि चंचलता ज़्यादा, इसका मतलब बच्चों का जो है ज़्यादा इनर्जाइज है उस बच्चे का, तो उसको प्योरीफाई करेंगे तो उसको कंट्रोल हो जाएगा।
और पहचानने के लिए ये भी है, जैसे कुंडली होती है जो द्वादश भाव होते हैं उसमें जो अष्टम भाव होता है वो मूलाधार चक्र को गवर्न करता है। अगर हमारे अष्टम भाव में पापी ग्रह यानी रवि है, सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, इस तरह से पापी ग्रह अगर ज़्यादा विद्यमान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, ये पहचान की बात है। और पापी ग्रह नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो ये एक पहचान का तरीका है। जैसे मूलाधार चक्र के बारे में आपने बताया, जो परेशानियाँ बताई होती हैं उसका निवारण भी बताया कि योगा वगैरह करके अभ्यास करके वो इस पे काबू पा सकते हैं, क्या इसका कुछ मतलब पूजा से रिलेटेड भी कुछ है कि पूजा पाठ करके भी इसका निवारण हो सकता जी, है? पूजा पाठ करके भी, देखिए एक तो योग माध्यम है, पृथ्वी तत्व मुद्रा है, और मंत्र जप करके भी हम जो है अपने समस्त चक्रों की को ऊर्जित कर सकते हैं, यानी मूलाधार चक्र को भी हम ऊर्जा दे सकते हैं क्योंकि बेस यही है। और जब मूलाधार चक्र हमारा जागृत होता है तो हमें महसूस भी होता है कि हमारी कुंडलनी शक्ति आंतरिक रूप से उस व्यक्ति को महसूस होता है कि उठ रही है या उस व्यक्ति को अनुभव होता है। तो अगर उस तरह से जान सकते हैं कि अगर ऊर्जित है, अगर हम मंत्र जप कर रहे हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है, और धीरे धीरे जब वो एक चक्र का दूसरे चक्र से कोरिलेशन हो जाता है तो आगे के चक्र भी मतलब हर्डल नहीं रहता, बाधा नहीं रहती है और ऊर्जा प्रॉपर फ्लो करती रहती है। तो किस तरह का मंत्र किया जाए जैसे आप निवारण हो सके इसका? देखिए जैसे पृथ्वी तत्व से संबंधित जो मंत्र हैं वो लक्ष्मी जी का मंत्र इस्तेमाल करें अगर धन की कमी है, या कुंडली को देख करके जो भी हमारा अष्टम भाव से संबंधित है उसको हम एनालिसिस करें, या धन से संबंधित दिक्कत है तो उसको देखें, या और कुंडली में देख करके चंद्रमा की स्थिति को देख करके कि चंद्रमा की क्या स्थिति है, ज़्यादा तो एनर्जाइज नहीं है, उससे भी हम जान सकते हैं कि क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र कुमार जी, जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया, उसका निवारण बताया, और जो मूलाधार चक्र हमारे जीवन में किस तरह से सर्प की तरह घुमावदार बैठा रहता है, क्या प्रभाव डालता है, उसका निवारण क्या है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, ये उन्होंने पूरे विस्तार से बताया है। अगर आपके जीवन में ये सब समस्याएं होती हैं तो हमारे वीडियो को आप देखिए, और जो भी महेंद्र कुमार जी ने निवारण बताया उसको आप फॉलो कीजिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।